तो दोस्तों आज 8 जून 2020 सोमवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। कोरोना संक्रमण स्थिति को देखते हुए सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। द्वितीय तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर के लिए 15 से 30 जून तक ऑनलाइन अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण होंगे। आपको बता दें सभी सरकारी कॉलेजों में स्नातक दो पार्ट सेकंड थर्ड और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक यह तिथि लागू की जाएगी। सभी कॉलेजों को विद्यार्थियों की दुर्घटना बीमा कार्यवाही तत्काल करनी होगी। जानकारी के मुताबिक सरकारी कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षा देने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। डाक विभाग के पोस्टमैन की ओर से घर पर पैसे पहुंचाने के बाद अब डाकघर के उपभोक्ता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से वे आधार इनबेट पेमेंट सर्विस से दूसरे बैंक के खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को 100 रुपये में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाना होगा। आपको बता दें जिन ग्राहकों का पोस्ट ऑफिस में खाता है वे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से अपना खाता लिंक करवाकर खाते से रुपये निकलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता अभी तक केवल 4 बार ट्रांजेक्शन कर सकता था, इसमें लोन की सुविधा नहीं मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से सभी कॉलेज बंद थे, विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन अब कॉलेज आयुक्तालय ने सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। हालांकि परीक्षा को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। विद्यार्थियों का साल खराब ना हो इसलिए कॉलेज आयुक्तालय ने ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें सत्र 2019-20 में जिस विद्यार्थी ने परीक्षा फॉर्म भरा था वह अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि नियमित कक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी। जिले भर में करीब 77 राजकीय और निजी कॉलेज हैं। राजकीय NMPG कॉलेज से मिले आंकड़ों के मुताबिक स्नातक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और स्नातकोत्तर प्रीवियस विद्यार्थी लगभग अध्ययन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर स्थापित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खिदरसर में नए सत्र में कक्षा 1 से 9 तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के नोडल अधिकारी ADO ने बताया कि नए सत्र के लिए प्रवेश हेतु 6 जून से प्रवेश आवेदन की लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो 25 जून तक चलेगी। रीट भर्ती 2016 अंग्रेजी विषय की फर्स्ट वेटिंग सूची जारी करवाने को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं। उक्त भर्ती के रिक्त 826 पदों पर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी कराने की मांग को लेकर BJP सांसद किरोड़ीलाल मीणा और तारानगर से कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। आपको बता दें RPSC ने कई अलग अलग विषयों के लिए टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस नौकरी के लिए उम्मीदवार की योग्यता पद और विषय के लिए आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत आवेदन देख सकते हैं। आपको बता दें स्कूल लेक्चरर के 22 पद हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के, इनमें 7 पद 1 मैथ के। इस प्रकार विभिन्न पद जैसा आप देख पा रहे हैं इसकी वैकेंसी RPSC के द्वारा निकाली गई है। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाए जाने के बाद पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले एक साल में ही रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों के पंजीयन की संख्या 4 लाख तक बढ़ गई। साल 2018 में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जहां 1,81,000 थी, वहीं 2019 में यह संख्या बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। लोकसभा सचिवालय में सुरक्षा सहायक के 49 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आपको बता दें लोकसभा सचिवालय ने नई दिल्ली में सुरक्षा सहायक के पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। भर्ती नोटिस के मुताबिक डेपुटेशन बेस पर सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। मेडिकल के क्षेत्र सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है। आपको बता दें राजस्थान सरकार मेडिकल ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्तियां करने जा रही है। राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए 2000 पदों पर भर्ती निकाली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 18 जून से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के संचालन के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष 13 जून से बोर्ड कार्यालय में खोला जाएगा, जबकि परीक्षा शुरू होने वाले दिन से ही प्रदेश में संग्रहण केंद्रों की शुरुआत भी हो जाएगी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर मंगलवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में परीक्षा आयोजन को लेकर मंथन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शिक्षा विभाग और
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही स्कूलों को खोला जा सकता है। मार्च में लॉकडाउन होने के बाद से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज 8 जून 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहे आप हमारे साथ में। प्रत्येक खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।